तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि जो मीटर होता है कमर्शियल मीटर, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 मीटर लगे हुए हैं, कमर्शियल है और एक जो है अपना डोमेस्टिक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लोग जो चेकिंग वगैरह आती है तो आप सभी को लगता है कि उन्होंने फाइन मार दिया। तो दोस्तों फाइन किस बात पे मारते हैं, दोस्तों इन चीज़ों को देखते ही आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो मीटर है वो ओवरलोडेड है कि नहीं है। अगर ओवरलोडेड है तो आप उसके हिसाब से या तो अपनी कंजम्पशन कम कर दें या फिर आप अपना किलोवाट बढ़वा लें। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि उनका जो मीटर है उस पर लोड कितना हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को पूरा मीटर के बारे में बताऊंगा कि कौन सी रीडिंग क्या बताती है और कितना लोड कहां से पता चलता है। और एक साथ ही में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कमर्शियल मीटर की पहचान क्या होती है और इसकी रीडिंग को मतलब बिल कैसे जनरेट होता है। तो दोस्तों ले चलता हूं मैं आप सभी को मीटर के आप सभी देख पास। सकते हैं कि ये 2 मीटर लगा हुआ है, जो 4 किलोवाट का है वो हमारा डोमेस्टिक मीटर है और इधर 2 किलोवाट का जो है वो कमर्शियल मीटर है। हमने इन दो कनेक्शन को इसलिए लेके रखा है कि हमारे पास जो दुकानें हैं, मेरे अपार्टमेंट्स में दुकानें लगी हुई हैं, तो जो दुकानें हैं उनका कमर्शियल मीटर है, उसके ऊपर घर है हमारे, तो उसके लिए मैंने डोमेस्टिक मीटर ले रखा है। तो दोस्तों डोमेस्टिक मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 4 किलोवाट मेंशन है और ये 4 किलोवाट का हमारा मीटर है। तो वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि 2 किलोवाट मेंशन है, तो कमर्शियल मीटर जो है वो हमारा 2 किलोवाट का है। दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि इसकी हम पावर कंजम्पशन कैसे देख सकते हैं कि हमारा मीटर ओवरलोडेड है कि नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा जो मीटर है वो 4 किलोवाट का है, तो अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो हमारा है यूनिट्स दिखा रही हैं, हम वेट करना है, ये जो है हमारा 79 किलोवाट दिखा रहा है, अभी लोड दिखाएगा, देखिए 7.2 किलोवाट। इसका मतलब कि हमारा मीटर ओवरलोडेड है, 4 किलोवाट के कनेक्शन पे 7.2 किलोवाट का लोड चल रहा है। दोस्तों इसका मतलब कि हमारा जो ये मीटर है ओवरलोडेड है और इसमें क्या होगा कि बहुत कुछ भी फाइन ठोका जा सकता है, लंबा फाइन। इसलिए अगर आपका भी मीटर ऐसे बता रहा है तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने तो अपना एप्लीकेशन दे दिया है मीटर को बढ़वाने के लिए, आप सभी भी दे दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपकी जो फाइन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका किलो वॉट भी बढ़ाया जाएगा और साथ में साथ पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों यही चीज का आपको कमर्शियल मीटर की, तो कमर्शियल मीटर को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो चलिए आइए चेक करते हैं कि इस पर लोड कितने का है। आपको वेट नहीं करना है तो ये बटन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 2.6 वॉट का लोड है, किलोवाट का लोड है, और ये जो हमारा मीटर है वो 2 किलोवाट का है। तो दोस्तों आप सभी ने इसमें देखा कि ये भी मीटर जो है कमर्शियल मीटर भी ओवरलोडेड है, इसको अप्रोक्सीमेट 3 किलोवाट का कराना पड़ेगा, और जो हमारा डोमेस्टिक मीटर है जिसकी हम बात कर रहे थे जो 7.5 किलोवाट का लोड दिखा रहा है बट ये है 4 किलोवाट का कनेक्शन, तो दोस्तों इसको भी मुझे बढ़वाना पड़ेगा अप टू 8 किलोवाट। दोस्तों इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो कॉमर्शियल मीटर है वो कनेक्शन तो 2 किलोवाट का है बट ये जो पावर कंजम्पशन हमारी है वो 2.5 किलोवाट से ऊपर जा रही है, यानी कि 2.8 किलोवाट। तो दोस्तों हमने वाला जो कनेक्शन है उसका एप्लीकेशन देखे 3 किलोवाट करवा दिया है और जो हमारा 7.2 किलोवाट है ठंडियों की वजह से चल रहा है, हमारा लोड इतना नहीं होता है। तो दोस्तों हमने अपना ये भी जो कनेक्शन है उसके लिए भी मैंने किलोवाट बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर दी है। आप सब भी अगर रिक्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद ये आपकी टेंशन नहीं है। तो दोस्तों
आप सभी को पता चल गया होगा कि मीटर का जो ओवरलोड है वो कैसे चेक करते हैं। दोस्तों आप सभी अपना चेक कर लीजिए, और आपका अगर किलो वॉट जो ओवर दिख रहा है या फिर एक्स्ट्रा दिख रहा है हैवी लोड्स के वजह से, अगर ओवरलोडेड मीटर है तो उसको जल्द से जल्द सही करवा लें, नहीं तो जो फाइन है पेनल्टी वो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ आपका किलो वॉट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के।